नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से। काल के गाल में समाया राजेश शर्मा का इकलौता पुत्र, परिवार का बिलक बिलक कर बुरा हाल। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ढीमरी ग्राम में मचा कोलाहल, करीब आधा दर्जन लोग करंट की चपेट में, एक युवक की हुई मौत। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ढीमरी ग्राम में उस वक्त कोलाहल मच गया जब एकाएक कड़ाके सुबह 5 बजे अचानक ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने से धू धू कर जलने लगा और 11,000 का करंट पूरे गांव के घरों में फैल गया, जिससे एकाएक घर में लगे विद्युत उपकरण ब्लास्ट होने लगे। और जिसने भी अपने विद्युत उपकरण बंद करने की कोशिश की तो करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। तो वहीं 22 वर्षीय अंकित शर्मा, पिता राजेश शर्मा, जो अपने घर में सोया हुआ था, अचानक लाइट खराब हुई, जिससे ग्रामीणों के अनुसार अंकित अपना मोबाइल या कूलर बंद करने उठा था और करंट की चपेट में आ गया, जो काल के गाल में समा गया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आनन फानन में परिवार वाले अंकित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया ले गए, जहां डॉक्टर ने अंकित शर्मा को मृत घोषित कर पीएम के लिए भेज दिया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए पन्ना से सौरभ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज सुबह डीपी में जैसे ही फॉल्ट बनू हमारे ग्राम ढिमरी में आग ही छूटी। हम लोग सब अपने गाय भैंस के काम में लगे थे, देखा कूलर पंखा सब जल रहे हैं। हमने तुरंत उन्हें बंद करने की कोशिश की, बोर्ड पे हाथ रखो, ऊपर से करंट ने हम लोगों को पकड़ लिया। जितने लोगों ने करंट को पकड़ा सब लोगों को करंट लगा। एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है हमारे घर परिवार के बालक की, अंकित शर्मा की। क्या हुआ है आपके साथ, क्या है? करंट लगा है बोर्ड में। कैसे लग गया करंट? जैसे अपन ने पकड़ी मतलब चटकनी बंद की, वैसे ही उसने पकड़ लिया तो हाथ में आग लगी, जब पलका पे गिरे। और लगभग कितने लोगों को करंट लगा? 10 लोगों को। कैसे लगा आखिर, 10 लोगों के साथ कैसे लग सकता है? 10 लोगों के साथ ऐसे कि अपने अपने घर में सब सो रहे थे, कोई जाग रहा था तो जैसे आवाज आई। क्या ट्रांसफार्मर विद्युत करंट खराब था, ज्यादा करंट आ गया क्या? हाँ, विद्युत करंट खराब था। कोई घटना घटी है आपके ग्राम में? क्या घटना घटी? ढिमरी में घटना घटी है लाइट के द्वारा। लाइट सुबह 5 बजे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ। विद्युत विभाग वालन का हम ग्रामवासियों वालन ने फोन किया तो उन किसी ने फोन नहीं उठाया, इस वजह से अंकित शर्मा की मृत्यु हो चुकी, बाकी 10-15 लोग घायल हैं। क्या माना जाए कि इतना क्या कैसा करंट रहा कि जो 10-11 लोग? वो 11,000 वोल्टेज का करंट सीधा गाँव को सप्लाई हुआ, गाँव घर में। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।